बुधवार को छतरपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक अजीब तरह के मामले की शिकायत प्राप्त हुई है। इस शिकायत में एक महिला ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसने महिला को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने के लिए पूरे घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। इतना ही नहीं, पति ने बेडरूम में भी कैमरा लगा दिया है, जिससे उसकी निजता के भंग होने का खतरा बना रहता है। पत्नी ने बताया कि उसका अपने पति के साथ विवाद चल रहा है। पति एक दूसरी महिला के साथ अफेयर में होने के कारण उसे तलाक देने के लिए प्रताड़ित कर रहा है। छतरपुर की सीताराम कॉलोनी में रहने वाली महिला रेखा शर्मा ने बताया कि लगभग 16 साल पहले 2007 में उसका विवाह सीताराम कॉलोनी में रहने वाले अरविंद शर्मा के साथ हुआ था। अरविंद शर्मा पेशे से शिक्षक है और छतरपुर के मुकरवा गांव में पदस्थ है। शिक्षक ने अपने ही स्कूल की एक महिला शिक्षिका के साथ अवैध संबंध बना रखे हैं, इसलिए अब वह मुझे और मेरे दो बच्चों को अपने साथ नहीं रखना चाहता। पति ने पत्नी से अलग होने के लिए अदालत में तलाक की अर्जी भी लगा रखी है। जिले के कुटुंब न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है। महिला ने बताया कि उसका पति अरविंद शर्मा चाहता है कि मैं अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर चली जाऊं, ताकि वह दूसरी शादी कर सके। इसलिए तरह तरह के प्रयोजन कर वह मुझे प्रताड़ित करना चाहता है। पिछले दिनों पति ने मुझ पर 24 घंटे नज़र रखने के लिए घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिए, जिससे कारण मेरी निजता भंग हो रही है। महिला ने इस बात की शिकायत कुटुंब न्यायालय से भी की है, जिसके बाद अदालत ने सिटी कोतवाली पुलिस को कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। जी, मेरे पति का नाम अरविंद कुमार शर्मा है। कहाँ रहते हैं? वो भी सीताराम कॉलोनी छतरपुर में मेरे साथ ही रहते हैं, एक ही घर में। आप यहाँ पे क्यों आवेदन दे रहे हैं? जी, मैंने अपने पति के जो उन्होंने घर में सीसीटीवी लगवा रखे हैं, जिससे मेरी उनकी मर्यादा भंग हो रही है, प्राइवेसी खत्म हो रही है, उसकी वजह से मैंने आवेदन लगाया है। और क्या करते हैं? वो टीचर हैं मुकरवा में। क्या समस्या है? और समस्याएं बहुत सारी हैं, लेकिन उन्होंने मेरे पे मुझे घर से निकालने के लिए डिवोर्स केस फाइल कर रखा है। और क्योंकि वो कई उनका अपने स्कूल में पढ़ाने वाली प्रीति पटेरिया के साथ अवैध संबंध है, और अन्य महिलाओं के साथ भी उनके अवैध संबंध रहे हैं, इस वजह से वो घर से निकालना चाहते हैं मुझे, और वो चाहते हैं कि मैं घर से निकल जाऊँ, जिससे वो प्रॉपर्टी को बेच के उससे पैसों का अवैध तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे दो बच्चे हैं, मेरी शादी 2007 में हुई थी, शादी को भी 16 साल हो चुके हैं। अब आप यहाँ पर आए थे, क्या समस्या है आपको? समस्या ये है कि उन्होंने पूरे घर में सीसीटीवी लगा रखे हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो दो कैमरे हैं वो मेरे पूरे कैमरे को कैप्चर कर रहे हैं। मेरे एक बरामदे में लगा रखा है, एक कमरे में लगा रखा है, जो कमरे में लगा रखा है वो मेरे बेड पे आता है, जो बरामदे में लगा रखा है उससे वो भी मेरे कमरे में आता है। मुझे पूरे दिन कमरे को गेट लगा के रखना पड़ता है, जिससे मेरी प्राइवेसी भंग ना हो। आपने कोर्ट में भी लगाया था सीसीटीवी की? जी जी बिल्कुल लगाया था। जी, मैंने कोर्ट में भी लगाया, तो जज साहब ने उनको डांटा भी था कि आप किसी महिला की मर्यादा को भंग नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने कोर्ट की आदेश को माना नहीं था और वहाँ से वो कैमरे भी नहीं हटाए हैं। और मैंने एक आवेदन कोतवाली में भी दिया था, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना कोई जाँच के लिए वहाँ से आया है। अभी आप एडिशनल साहब के यहाँ पे आए, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये कार्रवाई उन पे की जाएगी और जो सीसीटीवी उन्होंने लगा रखे हैं वो भी हटाए जाएंगे। क्या आप डिवोर्स चाहती हैं? बिल्कुल नहीं, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों और पति के साथ हंसी खुशी से अपने परिवार के साथ रहूँ, सुरक्षित रहूँ।